जनवरी 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन गंगा और यमुना में आई बाढ़ की वजह से तैयारियों में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बीच में जैसे ब्रेक सा लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इस समय गंगा जी में दो धाराओं का होना है। आपको दिखाना चाहेंगे ये दो धाराएं हैं गंगा जी की, और जिसकी वजह से तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। खासतौर पर जिस क्षेत्र में कुंभ बसता है वहाँ का ज़्यादातर जो इलाका है वो गंगा के फ्लड इलाके में एक तरीके से आता है, और दलदल होने की वजह से, दो धाराएं होने की वजह से यह काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जिसका रास्ता भी कुंभ मेला प्रशासन ने निकाल लिया है। आपने देखा होगा गत दो माघ मेलों से जो हमारा संगम नोज का एरिया है वो करीब 60% के आसपास कट चुका है कटान से, तो और इसके अतिरिक्त गंगा जी कभी कभी दो या तीन धाराएं बना देती हैं, तो उसके बीच में टापू जैसी लैंड निकलती है, वो हमारे बसावट के भी काम नहीं आती और बसावट के योग्य हमें भूमि नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही प्री प्लानिंग करके IIT गुवाहाटी से इसका हम लोगों ने स्टडी कराया है, इसका टोपोग्राफिक सर्वे कराया है और सारी चीज़ें इसमें अंगीकृत की हैं, उनके सुझाव लिए हैं और उनके सुझाव के आधार पर फिर ड्रेजिंग कराई गई। ड्रेजिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक निश्चित धारा को एक कटान रोकते हुए एक दूसरी तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसकी सैंड निकाल के वहीं पर ही बगल में डम करके उसको एक रिवर को चैनलाइज करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो एक चैनल में मतलब अलग अलग धाराएं ना फूटें। तो एक चैनल से बसेंगी, बहने के उपरांत हमको बसावट योग्य भूमि काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग घाट अच्छे से प्लान कर लेते हैं और सर्कुलेटिंग एरिया हमारी काफ़ी अच्छी निकलती है और मेला का जो स्वरूप है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो निश्चित हम लोग इस प्रयास को किए हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको करा रहा है, तीन ड्रेजिंग मशीन्स लगी हैं, लगातार चल रही हैं, काफ़ी हद तक काम हो रहा है और हम लोग मेले की बसावट में समुचित इसका प्रबंधन करके इसको कर लेंगे। भागीरथी यानी गंगा की एक धारा को रोका जा रहा है और दूसरी धारा ही यहाँ पर अब आगे प्रवाहित होगी, यानी कि महाकुंभ में ये पहला मौका होगा जब गंगा जी की एक धारा को रोक दिया जाएगा और दूसरी धारा जो मुख्य धारा है वही प्रवाहित होगी और वो संगम तक जाएगी जहां यमुना जी में उसका मिलन होगा। और यहां पर गंगा की धारा को रोकने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। IIT गुवाहाटी की जो एक रिसर्च है उसको आधार मानकर यहाँ के जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनका प्लान क्या है आपको समझाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे सामने ये जो बोरियों की कतार लगी हुई है, ये नदी का जो पहला चैनल है, जो पहली धारा है, उसको पैचेस में इन्होंने तोड़ा है, मतलब कई पैचेस बना करके जो मुख्य जो सेकेंडरी धारा है नदी की उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक रोक भी लिया है। तो सबसे पहले जो मशीनें लगी हुई हैं, पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं, उनके माध्यम से बालू की जो बोरियाँ हैं उसमें रख करके जो चैनल्स बने हुए नदियों के वहाँ पर डालते हैं और एक एक करके चैनल को बंद करने की कोशिश की जाती है। इसका दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाया जाएगा, ये जो आपकी पोकलैंड मशीन है उसके ठीक पीछे आपको दिखाना चाहेंगे ये मड मशीन लगी हुई है। इस मड मशीन का काम ये होता है कि जिस इलाके में सिल्ट ज़्यादा होती है उस सिल्ट को, उस गाद को निकाल करके दूसरे उस इलाके में इसे डिपॉजिट करना होता है, जमा करना होता है, ताकि वहाँ पर एक पगडंडी जैसा रास्ता बन जाए और पगडंडी जैसा रास्ता बन जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके वो धारा टूट जाती है, वहाँ उस धारा का प्रवाह खत्म हो जाता है और जो मुख्य धारा है वो केवल वही प्रवाहित होती है। आप सो दिखाना चाहेंगे पोकलैंड से जो बड़ी बड़ी सीमेंट की बोरियों में भरी हुई बालू है ये पहला चैनल तोड़ रही है। ये जो गंगा जी की दूसरी धारा है वो कई हिस्सों में बटी हुई है, तो उसकी धारा को तोड़ने के लिए सीमेंट की बोरियां इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर यहाँ से एक जो पैसेज है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सिल्ट मशीन से जो दूसरी जगह की सिल्ट लाई गई है वो भी यहाँ डिपॉजिट कर दी जाएगी, जिससे गंगा जी की जो मुख्य धारा है उसकी गहराई बढ़ जाएगी और वहाँ की जो बालू है वो किनारों में स्थापित हो जाएगी। बाद में ये जो पूरा क्षेत्र है वो बालू से भर दिया जाएगा। इस तरह की तीन बड़ी ड्रेजिंग मशीनें कुंभ क्षेत्र में इस समय काम कर रही हैं, दिन रात काम हो रहा है और कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से गंगा की जो सहायक धारा है, सेकेंडरी धारा है, उसको बंद कर दिया जाए, ताकि एक ही धारा में गंगा जी का जो पानी है वो प्रवाहित हो और गंगा की एक धारा बनने की वजह से जो खाली क्षेत्र दलदल का बचेगा वहाँ पर सिल्टिंग यानी कि बालू वगैरह डाल करके उसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में वहाँ पर कुंभ क्षेत्र का फिर आगे का जो काम है वो शुरू होगा। तो ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महाकुंभ में पहली बार किया गया है, जिसमें गंगा की धारा को रोकने की कोशिश की जा रही है। लगभग ये कोशिश जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं
और यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनकी पूरी होती दिख रही है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गंगा जी की दूसरी धारा बंद होने के बाद, इसमें सिल्टिंग होने के बाद और यहाँ पर बालू डालने के बाद फिर कुंभ का काम तेजी से हो सकेगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 UP, प्रयागराज।